मॉर्निंग क्लास 12, दिस इज चैप्टर 2, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो, वर्ड सर्कुलर, सर्कुलर मीन्स सर्कल में किसी का फ्लो होना, बहना। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो बहना, इनकम आएगा। फ्लो ऑफ मनी इनकम एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी केवल आपको फ्लो ऑफ मनी इनकम एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फ्लो ऑफ मनी इनकम एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ मनी इनकम दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी इनकम, मॉनेटरी इनकम एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रियल इनकम। इनकम टू टाइप्स होती है, रियल इनकम, मॉनेटरी इनकम। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कहीं अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, वर्क करते हैं, उसका रिवार्ड यदि मॉनेटरी फॉर्म में हमें दिया जाता है, मॉनेटरी फॉर्म मींस पैसे के रूप में दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी इनकम। यदि हमें वो गुड्स के रूप में रिवार्ड मिलता है, सर्विसेज के रूप में रिवार्ड मिलता है, फॉर एग्जांपल आपको क्लॉथ दे दिया, फॉर एग्जांपल वीट दे दिया, राइस दे दिया, तो दैट टाइप ऑफ इनकम इज कॉल्ड द रियल इनकम। और हमेशा ध्यान रखना इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज से रिगार्डिंग जब कोई बात होती है तो उसे रियल कहा जाता है, मॉनेटरी मनी से रिगार्डिंग जो बात होती है उसे मॉनेटरी कहा जाता है। इसलिए उसने कहा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दोनों टाइप का फ्लो को हम लेके चलेंगे, मॉनेटरी फ्लो को भी, मनी फ्लो को भी और रियल फ्लो को भी। यहाँ पे दो डेफिनेशन आपके पास आ गई, मॉनेटरी इनकम एंड रियल इनकम। डिफाइन रियल इनकम। रियल इनकम क्या है? रियल इनकम इज दैट इनकम विच मेजर इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विच मेजर इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मॉनेटरी इनकम, मॉनेटरी इनकम इज डेट इनकम इज मेजर इन टर्म्स ऑफ, इन फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी, करेंसी के रूप में, पेपर नोट्स के रूप में, कॉइन्स के रूप में, इट इज कॉल्ड द मॉनेटरी इनकम। तो ये समझ में आया। अब फ्लो कैसा है, किस चीज में फ्लो होता है वो आगे समझेंगे, अभी इस डेफिनेशन को आगे क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ लाइन लिखी है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एवरी इकोनॉमी परफॉर्म्स थ्री बेसिक एक्टिविटीज। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था परफॉर्म करती है तीन मुख्य आवश्यक क्रियाएं। ये लाइन ज्यादा सोचने की नहीं, बिल्कुल भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। थ्री बेसिक एक्टिविटीज आपको पता है, इकोनॉमी में तीन ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने आपको बता रखे हैं। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी? फर्स्ट प्रोडक्शन, फर्स्ट है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की एक्टिविटी करती है, प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, और क्या है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सचेंज है। किस लिए करते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फर्स्ट प्रोडक्शन, व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसे कहते हैं? नॉर्मली बच्चे के दिमाग में क्या होता है, प्रोडक्शन किसी रॉ मटेरियल की सहायता से किसी गुड्स को प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। नो, वो नहीं है डेफिनेशन। वो सिंपल है, इंक्रीज द वैल्यू या हम यूटिलिटी ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज is called production, is called
इंक्रीज, शॉर्ट लिख दिया मैंने, इंक्रीज द वैल्यू या यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन, कर देता हूं क्लियर। ब्रिक ईंट होती है, इसकी कीमत, एक ईंट की कीमत फॉर एग्जांपल 10 रुपीज लगा लो। मड से बनती है या मिट्टी से बनती है, इसकी वैल्यू कम है। आपने प्रोडक्शन किया, इसका यूज करके आपने प्रोडक्शन किया, इट मींस कि इसकी वैल्यू मान लो 2 रुपए है, आपने इसका यूज करके इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। किसकी वैल्यू को? मड की वैल्यू को। क्या बना करके? ब्रिक बना करके। या हम ये भी कह सकते हैं मड की यूटिलिटी ज्यादा है या ब्रिक की यूटिलिटी ज्यादा है, तो आप कहोगे ब्रिक की यूटिलिटी ज्यादा है, कहीं भी हम यूज करते हैं ब्रिक करते हैं मकान बनाने के लिए कहीं कुछ भी, ठीक है। दूसरा बिस्किट, बिस्किट की कीमत नॉर्मली एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपीज का होता है, और जबकि फ्लोर आटे, आटे से बनाए जाते हैं, मैदा से बनाए जाते हैं, उस मैदे की कीमत कितने रुपए का मैदा लग गया होगा, इसमें 1 रुपए 2 रुपए का मैदा लग गया होगा, तो इसकी वैल्यू राइज होगी फ्लोर का यूज करके बिस्किट। और वैसे भी आटा हमसे ज्यादा, आटे के बिस्किट की यूटिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो हमने आपने क्या देखा, मैदे से ज्यादा बिस्किट की यूटिलिटी ज्यादा है, तो क्या है, इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिखे। प्रोडक्शन मीन्स इंक्रीज द वैल्यू और यूटिलिटी ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड प्रोडक्शन, वो क्या कहलाया जाएगा, प्रोडक्शन कहलाया जाएगा। नेक्स्ट आपका ये एक एक्टिविटी होगी, नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है, कंजप्शन, कंजप्शन एक्टिविटी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दिमाग में आ रहा होगा, तो टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एवरी इकोनॉमिक फ्रॉम द 3 बेसिक एक्टिविटीज, कि ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है। कंजप्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है, सबसे पहले इसमें तो हम केवल गुड्स को कंज्यूम करते हैं, भाई खाते हैं हम, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे हो गया, अगर ठीक है प्रोड्यूसर ने गुड्स का प्रोडक्शन कर लिया, जब तक उसका कंजप्शन नहीं होगा वो और प्रोडक्शन क्यों करेगा, वो लेबर्स को कहां से उसको वो मिल जाएगी, उसको सर्विस कहां से देगा वो, तो कंजप्शन है, लेबर को जॉब नहीं मिलेगी। कंजप्शन मीन्स किस चीज का कंजप्शन, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज कॉल द कंजप्शन फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। मैं यहां लिख देता हूं यूज द यूटिलिटी, अगर हम कंज्यूम की जगह यूटिलिटी वर्ड यूज कर दे, यूज द यूटिलिटी ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। आप क्या करते हो, हम ब्रिक्स की, हमने ब्रिक्स हमने खाई नहीं, वो उसकी यूटिलिटी को यूज किया है, बिस्किट को हमने कंज्यूम जो कर लिया है, तो केवल हम, केवल यहां पर हम खाद्य पदार्थ ही नहीं लेंगे, हम केवल हम ऐसे भी तो और भी तो ऐसी गुड्स होती है जिनकी, इसलिए हमने बेटर ये है कि आप यूटिलिटी वर्ड यूज करो, ठीक। हम गवर्नमेंट का प्राइवेट है, ट्रांसपोर्ट हम यूज करते हैं, तो यूटिलिटी उसकी उपयोगिता का यूज करते हैं, ना कि उसे कंज्यूम कर, इसलिए बेटर यह है कि यूज द यूटिलिटी ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड द कंजप्शन। अब एक नया वर्ड यहां आता है कलेक्टिव कंजप्शन। कलेक्टिव कंजप्शन कैसे कहते हैं, कलेक्टिव कंजप्शन, कलेक्टिव कंजप्शन, कलेक्टिव कलेक्टिव कंजप्शन वो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, ठीक है, जिसे सब लोग मिलकर के जिसकी यूटिलिटी को यूज करते हैं, तो वो उसका क्या बोलते हैं, कलेक्टिव कंजप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एडिशन, एडिशन इन कैपिटल स्टॉक, एग्जिस्टिंग इन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, एडिशन इन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इन ईयर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट।
कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक मीन्स कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स। मैं तो इसकी डेफिनेशन को आपको बताता हूं सिंपल वर्ड में, यह है एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कैपिटल गुड्स, ऑन कैपिटल गुड्स, जैसे मशीन्स हो गया, डैम्स हो गया आपका, ठीक है, जितने भी ये वो है जो फर्दर प्रोडक्शन में जो यूज किए जाते हैं जैसी गुड्स, उन पर किया गया खर्च, वो क्या कहलाते हैं, कैपिटल गुड्स कहलाते हैं, उन पर किया गया फर्दर एक्सपेंडिचर किया गया है उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या कैपिटल गुड्स में, कैपिटल स्टॉक में जो एडिशन होता है नए ईयर में उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी की जाती है, और इन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से आपको क्या मिलता है, आपको ह्यूमन वांट्स पूरी होती हैं। कैसे होती हैं, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से आपको पैसा मिलता है या गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है जिससे हम अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट, अब वो कहता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ने से पहले, आपको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लो ऑफ इनकम होता है ये किस किस के बीच में होता है। एक्चुअली इकोनॉमी को 5 सेक्टर्स में आपको डिवाइड किया गया है, किसमें, 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड आपका प्रोड्यूसर सेक्टर या प्रोडक्शन सेक्टर, थर्ड आपका गवर्नमेंट सेक्टर, फोर्थ आपका, थर्ड आपका फाइनेंशियल सेक्टर, थर्ड आपका फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फोर्थ आपका गवर्नमेंट सेक्टर, फिफ्थ आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, शेष विषय। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इन 5 सेक्टर्स में फ्लो होगा, घूमेगा। तो ये किस टाइप से फ्लो होगा ये आपको हम कल बताएंगे। तो कहीं भी किसी भी कंसेप्ट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बच्चा मेरे को फोन करके 4 PM to 5 PM पर फोनिकली पूछ सकता है, किसी कंटेंट में, किसी कंसेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम हो उसे, फोन नंबर 7027270800, दोबारा से 7027270800। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।